two, don't stop, I'm on fire, one. सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और मुझे नहीं पता कितने दिन बाद में वीडियो आ रही है, लेकिन हाँ, अपने चैनल के ऊपर गाइज वीडियो कंटिन्यू रहेगी। यार आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिखाया ना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं बता नहीं सकता। दिल से दुआएं आप मेरे को दे रहे होते कि लोग सोच रहे थे कि भाई ये कोई वीडियो नहीं डालेगा या नहीं डालेगा। तो गाइज़ थोड़ा मेरा मन था ऐसा कि यार कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन आपने मेरे को इतना अच्छा प्यार दिया और सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे मेरे को कि भाई अपना पेटीएम नंबर दो, गूगल पे नंबर दो, कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी शॉप हो जाएगी। तो गाइज़ देखो, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो मेरा स्टोर है, देखो सामने स्टोर है, अभी अपने स्टोर के जो बैक साइड में आ रखे हैं हम, और सामने देख पा रहे हो ये अशोका इनक्लेव के सामने ही है हमारा जो स्टोर है फरीदाबाद के अंदर। आप यहाँ पर भी आ सकते हो। फिलहाल तो हम अपने जो प्लॉट है प्लॉट के अंदर वीडियो बना रहे हैं, बाहर शोर शराबा हो रहा है इसलिए नहीं बना रहे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी जो स्टोर है उसका एड्रेस दे दूंगा। ये मेरा फरीदाबाद सराय के अंदर स्टोर है, उस वाले स्टोर का मैं आपको एड्रेस दे दूंगा कि कहाँ पर है कहाँ पे नहीं। सो गाइज, मोटिफिकेशन चैनल है तो मोटिफिकेशन की वीडियो इसके ऊपर डलेगी, कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं डलेगी। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर एक स्विचलेस हज़ार्ड किस तरीके से लगा सकते हैं। स्विचलेस हज़ार्ड ये होता है गाइज, जैसे कि आपने KTM के जो मॉडल देखे हैं उसके अंदर हमने कोई स्विच नहीं लगाना पड़ता, जिससे यार क्या होता है स्विच नहीं लगाते ना आप तो अच्छा सा लगता है कि हाँ कोई भी स्विच नहीं है। ये नहीं है आपके, क्या होता है कि आपने देखा होगा जो दूसरे मॉडल आते हैं उनमें क्या होता है, एक स्विच होता है उसके नीचे एक पैटर्न चेंज करने वाला बटन होता है, तो आप उससे पैटर्न चेंज करते हो, लेकिन वो जो ना थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब एक भरा भरा सा हैंडल बार लगता है। तो हमने ऐसे कोई नहीं करनी, हमने सेम इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से हमारे KTM के अंदर लगा रहता है। तो आपने देखा था मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने अपने KTM के अंदर हज़ार्ड लगाया था, और सेम इसी तरीके से गाइस हम अपने लगाने वाले R15 के अंदर। तो मेरे भाई की R15 है ये, तो मेरे भाई यहीं पर बैठते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सबका मेरे भाई की इस वीडियो में बहुत बहुत। तो गाइज़ ये देखो अपनी वाली R15, तो काफ़ी भाई लोग बोल रहे थे कि भाई ये R15 आपकी दिखती नहीं है, तो गाइज़ एक बारी लुक चेकआउट कर लो इसका, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लग रही है। तो इसके ऊपर हमने मार्क्स लगा रखा है, ये DRLs वगैरह, तो इसकी भी वीडियो आपको जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। इसके ऊपर हमने वाइज़र फुल मॉडिफिकेशन इस बाइक के अंदर चल रही है, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर एक हज़ार्ड सिस्टम किस तरीके से लगाया जाता है। तो हाँ गाइज़, ये जो हज़ार्ड सिस्टम है ये आप किसी भी बाइक में लगा सकते हो, चाहे आपके पास में कोई सी भी बाइक हो ना, एकदम सिंपल कनेक्शन बताऊंगा। और इसी वीडियो के अंदर मैंने बताया आप लोगों को कि TVS एंटोर के अंदर T10 बल्ब और उसके साथ में फ्लैश और ये किस तरीके से लगेगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की भी यहीं से। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास में TVS के एंटोर के उसके अंदर बल्ब कौन से लगाए जाएगा। गाइस ये है LED T10, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और प्योर आपको जो इसके अंदर एम्बर कलर मिलता है, और इसके अंदर आप LED भी देखें, 6 पीछे की तरफ, 6 आगे की तरफ और 3 इधर। तो इसकी आप देखो, थोड़ा अंदर करके दिखाऊं तो ये देखो बहुत ही अच्छी रोशनी है इसकी, और इसी के अंदर हमने लगा रखा है एक स्विचलेस वाला हज़ार्ड, तो जो कि हमारा वर्क करता है सेम इसी तरीके से इसके अंदर भी। सो गाइज़ ये है वो हज़ार जो अपनी बाइक के अंदर हम लगाने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर एक प्लग है, और इसमें कि आपको 4 वायर मिल जाती है, तो कोई भी बंदा इसको अपने पास में आराम से लगा सकता है। तो ग्रीन और ये जो येलो वाली वायर देख रहे हो गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी है इंडिकेटर की, तो ये इंडिकेटर के अंदर जाएगी। रेड एंड वाइट वाली वायर है हमारी पॉजिटिव है, और ये आगे हमारी ब्लैक एंड वाइट वाली ये हमारी नेगेटिव है। तो जैसे कि देख पा रहे हो गाइज, इसकी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, इसकी आपको साथ में 1 साल की वारंटी मिलती है, और इसकी क्वालिटी देखोगे आप खुद ही फील करोगे कि हाँ भाई कि टेक्नो भाई ने कोई चीज़ बताई है हमें। अगर जिस बाइक को भी परचेज़ करना है तो लिंक मैं दे दूँगा इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये तो गाइज़ ये हमारे पास में LED बल्ब, तो इनकी भी आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी। तो इसकी भी जो क्वालिटी है गाइज़ बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो आप लोगों को पता है जैसे कि ये जो बल्ब होते हैं ना हैलोजन बल्ब, भी हज़ार्ड के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को अभी चेक करा के दिखाता हूँ कि इनकी जो विजिबिलिटी होती है, और जो देखो गाइस स्पीड होती है, ये देखो मतलब चल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा कि हज़ार चल रहा है क्या क्या चल रहा है इसको बाइक के अंदर। और अब ये लगाते हैं बल्ब याले, तो इससे पता चलेगा आपको कि हाँ इसके अंदर कितनी स्पीड आई है। तो इसी फ्लैशर के ऊपर मैं आप लोगों को चेक करा दूंगा। इसके अंदर हमने लगा रखा है गाइस एक 350 वाला फ्लैशर, जो कि बहुत ज़्यादा चीप आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, और इसी के साथ में स्विच है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ ये स्विच कहाँ काम का होता है। ये स्विच का काम होता है इसके अंदर पैटर्न चेंज करने का। तो अब जो हम इसके अंदर हज़ार लगाएंगे गाइस, वो हज़ार काम करेगा इससे, ये लेफ्ट और राइट वाले बटन से, जैसे इसको लेफ्ट राइट लेफ्ट फिर बीच में, तो इससे हमारा हज़ार्ड वो हो जाता है स्टार्ट, और इसी के साथ में लेफ्ट राइट लेफ्ट फिर बीच में, तो इसी से हो जाएगा हमारा पैटर्न जो होता है बाइक का चेंज। तो फटाफट लगाते हैं इन सब चीज़ों को अपनी बाइक के अंदर।
सो गाइस हमने इसके अंदर एलईडी बल्ब वो जो लगा दिए और फ्लैशर की हमने प्लेसमेंट करी है इधर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत अच्छी जगह मिल गई हमारे को R15 के अंदर। और इनकेस अगर आपका ये फ्लैशर भी ख़राब होता है तो आप यहाँ से निकाल के हमें वापस भेज सकते हैं, हम आपको विथ इन 3 और 4 डेज में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। और इसके कनेक्शन भी गाइस हमने इस तरीके से करे हैं, जो लेफ्ट वाला जो इंडिकेटर है उसके अंदर लगा दिया हमने येलो वायर, और जो ग्रीन वाला वायर है हमने लगा दी वो राइट वाले इंडिकेटर से, यानी कि एक वायर हो गई हमारी इस वाले इंडिकेटर के और दूसरी वायर हो गई हमारी इस इंडिकेटर के साथ में। तो इसको जैसे ही आपको एक्टिवेट करना होना गाइस, तो एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट राइट लेफ्ट फिर बीच में, तो जैसे सो गाइस अपना जो फ्लैशर है वो देखो चल चुका है। और इसकी जो विजिबिलिटी देखो भाई एक बार चेकआउट करो, है ना लाजवाब एकदम बढ़िया। ये देखो अभी बिना कवर के इसके अंदर ऐसी क्वालिटी आ रही है, सोचो गाइस अगर कवर लगने के बाद में जो उसका फुल रिफ्लेक्शन होगा बल्ब का उसमें अंदर बहुत अच्छी आएगी। और इसके अंदर पूरी तरफ में LED है, और जस्ट आपको इसका पैटर्न चेंज करना है या आपको इंडिकेटर देना है, तो इंडिकेटर के लिए आपको अपना बटन बंद नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटो कट है। ये देखो इंडिकेटर दे दिया, ये देखो भाई इस साइड का इंडिकेटर देना ज़रा राइट का, ये देखो गाइस ये राइट का लेफ्ट का, तो ये देखो मतलब कहते हैं ना कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंडिकेटर दोगे आपका जो फ्लैशर है ऑटो कट होके आपका इंडिकेटर वो मैनुअली काम करने लग जाएगा। और आपको अगर फ्लैशर ऑन करना हो तो गाइस लेफ्ट राइट लेफ्ट फिर ये बीच में। सो गाइस जैसे कि देख पा रहे हो ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। और एक बार मैं आप लोगों को सामने से दिखाऊं तो हेडलाइट के अंदर इसके अंदर DRLs वगैरह लगा रखे, मॉडिफाइड कर रखे अच्छे से। और ये देखो आगे से कुछ लोग इसकी इस तरीके से आती है लाजवाब वाली। ये सब अपनी मोटिवेशन आप अपने टेक्नोखान स्टोर पर ही करा सकते हो, और सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है इधर से। और इसी के साथ में गाइस जो इसके अंदर फ्यूज़ था हमने फ्यूज़ चेंज करा है, तो बीच में फ्यूज़ भी उड़ गया था, तो आप लोगों को दिखाता हूँ वो जो फ्यूज़ है हमारे पास में। इसको मिलता है आपको सेट ऑफ 2 का, तो जैसे कि मिलते हैं आपको इसके अंदर 2 सेट मिल जाते हैं फ्यूज़ के भी। अगर इनकेस ख़राब हो जाता है तो आप इजीली इसको यहाँ से रिमूव करके इस फ्यूज़ को लगा सकते हो। और फटाफट इसके जो जितनी भी एसेसरीज है गाइस सब लगा देते हैं, और आप लोगों को दिखाऊँगा इसका जो रिफ्लेक्शन है लाइट का रात में कैसा आता है। और दिन के अंदर तो आप लोगों ने देख लिया, तो टाइम हो रहा है 12:30 करीब टाइम हो रहा है, और इस वक्त आप देख पा रहे हो लाइट की विजिबिलिटी एकदम लाजवाब है, और यहीं से ये चेंज हो जाता है। अगर किसी भी भाई को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और गाइस इसका कवर लगाने के बाद में विजिबिलिटी देख पा रहे हो आप इतनी है जितनी पहले आ रही थी, क्योंकि पूरे के अंदर इसके अंदर बल्ब के अंदर 360 LED लगी हुई है। और इसी के साथ में आपको एक अच्छी सी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी साथ में। और गाइस इस फ्लैशर की सबसे खास बात पता ही क्या है, जब भी आप अपनी चाबी से ऑफ से ऑन करोगे आपका जो फ्लैशर का मोड है वहीं रहेगा। तो आपने पहले वाले जो फ्लैशर देखे होंगे जो इसके अंदर लगा रखा था, आप अपनी चाबी ऑफ से ऑन करते हो तो आपका जो फ्लैशर का जो मोड है वो चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर गाइस ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे पैटर्न आपको मिलेंगे, 22 पैटर्न है इसके अंदर, और 1 ईयर की वारंटी के साथ में दोनों चीज़ की, फ्लैशर की भी और बल्ब की भी। और जितनी भी आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन करी गई है मेरे भाई ने करी गई है, तो भाई का भी चैनल है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी डिटेल वीडियो गाइस आपको इसकी DRLs की और इसकी मार्क्स वगैरह की सबको आपको मिल जाएगी हमारे भाई के चैनल के ऊपर, तो भाई थोड़ा सपोर्ट करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसको समझना है वीडियो देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमने इसके अंदर की सामान कैसे कैसे लगाया हुआ है। तो बबल वाइजर अलग है इसके अंदर, और मार्क्स इसके अंदर अलग लगा हुआ है, पीछे भी हमने बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर कर रखी है, और आगे भी हम इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहेंगे। तो गाइस फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो में, और थोड़ा सपोर्ट करते रहो, स्टोर पर आओ तो आपको स्टोर पर जो हमारा जो साइड वाला रेट होगा उससे भी आपको डिस्काउंट अच्छे से मिल जाएगा। तो इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय।